हेलो फ्रेंड्स, एसएससी जीएसजी के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक शॉर्ट वीडियो में मिल्खा सिंह जी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। द फ्लाइंग सिख यानी मिल्खा सिंह जी को ये नाम दिया था 1960 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अयूब खान ने, और ये उन्हें मिला था एक फ्रेंडली रेस जो कि हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसे जीतने के बाद 20 नवंबर 1929 को मिल्खा सिंह जी का जन्म पंजाब, जो कि उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया में था, वहाँ पर हुआ था। रेलवे ट्रैक्स के आसपास, क्योंकि उस टाइम पर डिवीज़न का अनाउंसमेंट हो चुका था, इंडिया और पाकिस्तान के डिवीज़न का, तो बहुत सारे ट्रेन्स इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया आ रही थी, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को मार दिया जा रहा था। पूरी की पूरी लाशें एक साइड से उस साइड और उस साइड से इस साइड आ रही थी, तो ये उन्होंने भी देखा। और उनके माता पिता का भी इसी समय पर निधन हो गया, उन्हें भी इस तरह से ही मार दिया गया था। तो अपनी जान बचाने के लिए दौड़े और कुछ इस तरह से दौड़े कि पूरे विश्व में फेमस हो गए। तो मिल्खा सिंह जी स्टार्टिंग लाइफ, अर्ली लाइफ में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। काफ़ी मुश्किलों के बाद आर्मी में ज्वाइनिंग हुई, और एक बार आर्मी में वो ज्वाइन कर लिए तो उसके बाद उन्होंने रेस या रनिंग में बहुत अच्छा उम्दा प्रदर्शन किया। और आज तक आप इसको देख सकते हैं इस तरह से कि कॉमनवेल्थ में आज तक कोई भी सेकेंड ऐसा एथलीट नहीं है जिसने स्प्रिंटिंग में आज तक कोई गोल्ड मेडल नहीं ला पाया। 1958 का जो कार्डिफ का कॉमनवेल्थ गेम्स था, 440 यार्ड्स में मिल्खा सिंह जी ने इसमें गोल्ड मेडल जीता, और ये बहुत ही बेहतरीन था। इसके साथ ही साथ 1958 में टोक्यो में एशियन गेम्स और 1962 में जकार्ता के एशियन गेम्स में भी मिल्खा सिंह जी को गोल्ड मेडल मिला 200 मीटर्स और 400 मीटर्स और 400 मीटर की रिले रेस में। नेशनल गेम्स में 1958 में इन्होंने गोल्ड मेडल, 1964 में सिल्वर मेडल जीता। इसके साथ ही साथ जब 58 में कार्डिफ में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता था, तो इनके इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए चंडीगढ़ स्टेट से स्पोर्ट्स सेक्शन में मिल्खा सिंह जी को 1959 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके साथ एक जो मेडल जो यहाँ पर नहीं लिखा जा सका, उसका रीज़न है 1960 में हुए जो समर ओलंपिक्स थे, इसमें मिल्खा सिंह जी बाई फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, 1/4 सेकेंड से एक मेडल चूक गए थे समर ओलंपिक्स में। और इसके बारे में उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है कि 1/4 सेकेंड से एक मेडल से वो चूक गए थे, जिसके लिए कई बार जो ट्रैक फील्ड्स के कुछ मेजरमेंट्स हैं उसे भी रीज़न दिया जाता है, लेकिन जो हो गया हो गया। मिल्खा सिंह जी 400 मीटर की रेस में रैंक 4 थी उनकी, जो कि थर्ड होती तो ब्रॉन्ज मेडल मिल जाता, और ये उन्होंने मिस कर दिया था बाई फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। तो मिल्खा सिंह जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता चली, और आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और मैं अंत इस वीडियो का उनकी बुक के साथ ही एंड करना चाहूँगा, जो उन्होंने बुक लिखी है द रेस ऑफ माई लाइफ उनके द्वारा लिखी हुई एक बेहतरीन सी बुक, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और इसमें उन्होंने लिखा है एक बढ़िया सा उर्दू का कुपलेट, जिसको कि कुछ इस तरह से कहेंगे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, मर्तबा मीन्स जेनिथ, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और इसका मीनिंग भी उन्होंने लिखा, डिस्ट्रॉय योर एंटायर एग्जिस्टेंस, आप जो आज हैं उसे मिटा दीजिए, इफ यू वांट टू रीच द जेनिथ, आप अगर ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, टॉप पर पहुंचना चाहते हैं। और उसका रीजन, इसका एग्जांपल भी है, क्योंकि एक बीज, एक जो सीड होता है, हैज टू बिकम वन विद द डस्ट, मट्टी में ही मिल जाता है, पता थोड़ी चलता है अलग, और तब जा करके वो स्प्राउट होता है और ब्लॉसम करता है एक फ्लावर की तरह, या फिर एक बड़े से पेड़ की तरह। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।